नोट कॉइन जो है वो आप किस तरह से सेल कर सकते हैं और कितने आपने सेल करने हैं उसको भी बात करते हैं। तो नोट कॉइन सेल करने के लिए आप उसकी जिस एक्सचेंज में बाइनेंस बाइबिट या ओकेएक्स में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे टाइम चल रहा होगा तकरीबन 2 घंटे से पहले ये हो सकता लिस्ट हो या 2 घंटे में लिस्ट हो जाएगा। तो लिस्ट होते साथ ही इसकी प्राइस जो है, अगर आपको इसकी प्राइस ज़्यादा मिलती है मतलब 0.05 मिलती है या 10 रुपये मिलती है 8 रुपये मिलती है तो आपने इसे सेल करना है, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा है तो इसे आप सेल कर दें। अगर आपको प्राइस कम मिलती है तो फिर आपने इसे 30% जो है वो आपने रख लेना है, बाकी 70% सेल कर लेना है। तो उसके सेल करने के लिए आपने जाना है अपने स्पॉट वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप अपने कॉइन्स को ओपन कॉइन्स वाले सेक्शन यहाँ से तलाश करेंगे, यहाँ पे जाके सर्च में जाएंगे, आप सर्च में जाके लिखेंगे नोट, अभी नहीं आ रहा ठीक है सर्च में, तो ये आ जाएगा जैसे लिस्ट होगा सर्च में आ जाएगा, इस वक्त नहीं आ रहा तो अभी आप से सर्च में लिखेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे वो सेलेक्ट होगा उसके बाद आपने मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब आप मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से मतलब आप उसे ये 70% मिसाल के तौर पर हम इसे सेल कर रहे हैं, ये 70% पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आप इसे सेल कर देंगे, सॉरी मैं बाय पे था, तो यहाँ से आप उसे सेल कर सकते हैं ठीक है। 70% तकरीबन यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये तब आपने करना है जब आपके कॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी कम निकले। अगर प्राइस कम निकलेगी तो फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 30% जो है वो आप रोक लीजिएगा या 20% अपने कॉइन रोक लीजिएगा, हो सकता है उसकी प्राइस दोबारा पंप करे 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद या थोड़ी देर बाद पंप कर दे, तो उस वक्त आप उसे सेल कर दें। तो फिलहाल तो चांस नहीं है कि प्राइस इसकी अभी फिलहाल पंप करेगी, मुश्किल है। कॉइन तो वैसे बहुत अच्छा है मगर माइनिंग वाले जो कॉइन होते हैं इनमें ये होता है कि इनकी सप्लाई जो है मोस्टली लोगों के पास होती है, जिन लोगों ने इसे माइन किया होता है इसकी सप्लाई जो है वो लोगों के पास होती है। तो लोग जो है ज़्यादातर न्यू लोग माइनिंग के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो इसलिए न्यू जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर इसे सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट का आईडी नहीं होता, तो उन्हें तो सिर्फ इससे मतलब होता है कि चलो कुछ पैसे आ जाए तो उनकी कोशिश होती है कि चलो यार इसको हम फटाफट सेल करें और सेल करके हम पैसे ले लें, क्योंकि ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जो है वो लोग नहीं समझते, इसलिए हमने उन लोगों के माइंड के हिसाब से चलना है। तो उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कॉइन जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि ये डंप होगा, मुश्किल बहुत मुश्किल है कि अभी पंप हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है 100% सेल कर दें अपने, या 70% सेल कर दें, 30% रख लें। अगर आपको लगता है कि यार ये कॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी कम है तो चलो मैं 30% रख लेता हूँ, जैसी कॉइन की प्राइस पंप हो तो आप इसे तब भी सेल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का, जल्द ही ये लिस्ट होने वाला और एंजॉय करें इसके प्रॉफिट को। तक के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ ना आए, और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें।